बहुत सदियों पहले त्री हिमालय के पास बल्लभपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में भद्रसेन नाम का एक बनिया रहता था। वो बहुत ही धनी था। बनिया अपने धन संपत्ति का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। बनिया के मरने के बाद उसका एकलौता बेटा अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। वो अपने पिता जैसा नहीं था। कुछ दिनों के अंदर वो कर्ज में डूब गया। चलते चलते उत्तरीय हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। वो उस गांव पहुंचा। भाई साहब सुन रहे हैं? कौन? मैं थक गया हूँ। यहाँ पे कहीं विश्राम करने का जगह है? नहीं है, वैसा वैसा कुछ नहीं है इस गांव में, समझे तुम? जाओ, आज रात में पानी पी के रहना होगा, कल सुबह कुछ बंदोबस्त करूंगा। जाओ, उस पेड़ के नीचे आराम करता हूं। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे। कौन? कोई रो रहा है? लग रहा है कोई मुसीबत में है, जाके देखता हूँ। ये क्या? ये तो एक दानव है। एक लड़की को बंदी बना कर रखा है। गांव वालों से जाकर कहता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ है, है? चिल्ला क्यों रहे हो? इतना रात को क्यों चिल्ला रहे हो भाई? उस जंगल में एक दानव एक लड़की को पकड़ के रखा है। चलिए चलिए, हम सब मिलकर उस दानव से लड़की को छुड़ाते हैं। पागल है क्या? कोई जरूरत नहीं, जाओ जाओ। हम लोगों को क्या मरना है? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक लड़की मुसीबत में है, उसे बचाना चाहिए हमें। तुम्हें बचाना है तो तुम जाओ, मेरे पास समय वमय कुछ नहीं है। जाओ जाओ, कहाँ कहाँ से सब चले आते हैं? है? नहीं, इनसे नहीं होगा। क्या होगा पता नहीं। वीरभद्र के पास जाता हूँ, वो तो क्षत्रिय है, जरूर कुछ करेगा वो। दोस्त तुम? क्या हुआ? उत्तरी हिमालय के जंगल में एक दानव एक लड़की को कैद करके रखा है। किसी ने उसका मदद नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम वीर हो, तुम उस लड़की को दानव से छुड़ा सकते हो। तो फिर अभी चलते हैं। राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये ख्वाहिश तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा दानव। राजकुमारी को छोड़ दो, मुझे मारेगा तू। दोस्त तुम असंभव को संभव किए हो। दोस्त आज तुम दोनों की वजह से मुझे नया जीवन मिला। कौन हो तुम? मैं गंधर्व राज्य की राजा की इकलौती कन्या हूँ, श्रुति लेखा। लेकिन तुम्हें दानव क्यों लाया था? मुझसे विवाह करने के लिए। कृपया करके मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। हाँ हाँ,
तुम चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। पिताश्री, पिताश्री। मेरी बच्ची तुम वापिस आ गई। हाँ पिताश्री, आज मैं इन दोनों के वजह से उस दानव के हाथों से मुक्त हो गई। सच में आज तुम दोनों के वजह से ही मेरी बच्ची वापिस आ गई। बोलो तुम दोनों को क्या चाहिए? महाराज, आपको अगर कोई अतरज ना हो तो मैं आपके कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, ठीक है बेटा, मुझे कोई अतराज नहीं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? तुम धन दौलत जो मांगोगे तुम्हें वो दूंगा मैं। माफ कीजिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ, चलता हूँ दोस्त। दोस्त, मत जाओ, मत जाओ तुम दोस्त। महाराज, जब राजा उसे धन दौलत सब दे रहे थे, वो इतना अच्छा मौका क्यों गवा दिया? जबकि उसे धन की आवश्यकता थी, क्या वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था? बेताल, जब वो रास्ते में भटक रहा था तब उसे धन की बहुत आवश्यकता थी। वो धन दौलत और राज्य महाराज उसे दे रहे थे, लेकिन वो मना कर दिया क्योंकि रास्ते में भटकते समय उसे धन की कीमत पता चल गई कि धन दौलत बहुत मेहनत से कमाई जाती है, इसलिए वो मना करके चला गया। समझे बेताल?